हेलो दोस्तों, मैं नीलू श्रीवास आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने बहुत पहले बताया था कि SSC CPO SI की भर्ती निकलने वाली है, तो हम लोगों का अब इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब अपनी SSC CPO SI की भर्ती निकल आई है, तो इसकी मैं आप लोगों को फुल डिटेल्स में बता देता हूँ कि कितनी पोस्ट हैं और इसके लिए एबिलिटी क्या है, फीस क्या है। मैं सब कुछ आपको फुल डिटेल में बताता हूँ। चलिए, तो मैं शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। दोस्तों, SSC का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा। इसका फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ओके, इसके बाद इसे अपन सब इंस्पेक्टर CPO SI रिजूमेंट 2020। ओके, इतना हो गया अपना। हाँ, इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके लिए एप्लीकेशन फीस क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं एप्लीकेशन फीस, तो इसके लिए अपन लोगों को कुछ नहीं करना है, बस इसका एप्लीकेशन फीस है जनरल एवं OBC कैंडिडेट के लिए है। इसकी मात्र 100 रुपये, बहुत ही कम है। अच्छा है, अच्छी वैकेंसी है। जनरल एवं OBC कैंडिडेट के लिए मात्र 100 रुपये हैं, SC ST कैंडिडेट के लिए 0 रुपये। मतलब जो SC ST कैंडिडेट में आता है उसको कोई भी पैसे पे नहीं कर। कैटेगरी मेल मतलब कि को फीमेल, चाहे वो SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, कोई भी हो फीमेल, उसके लिए ओनली 0 रुपये। मतलब 0 रुपये, कोई भी पैसा नहीं देना, उनके लिए फ्री है। इसके बाद मैं इम्पोर्टेंट डेट्स बता दूं। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट 17 जून से चालू हो गया था। इसका रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट इसकी 16 जुलाई 2020 है। अपन 17 जून से 16 जुलाई, 1 महीने का है, इसके बीच में आप लोग जल्दी से भर लें। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग देरी मत करें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका ऑनलाइन कर दें, ताकि ये साइट पर ज़्यादा लोड पड़ने से इसकी सर्वर कम हो डाउन हो जाते हैं। और इसका फ्री पेमेंट लास्ट डेट, आप पेमेंट इसका 18 जुलाई तक कर सकते हैं फ्री पेमेंट, और लास्ट डेट ऑफलाइन आप 22 जुलाई तक कर सकते हैं। हाँ, एक इम्पोर्टेंट इसमें एक है इम्पोर्टेंट, आपका पेपर, इसमें दो पेपर होना है। पेपर फर्स्ट पेपर एग्जाम डेट आपकी 29 सेप्टेम्बर टू 5 अक्टूबर, मतलब 29 सेप्टेम्बर से 5 अक्टूबर तक चलेगा। और सेकेंड पेपर एग्ज़ाम डेट 1 मार्च 2021, आई समझ में। आपका सेकेंड पेपर 1 मार्च से चलेगा और पेपर फर्स्ट चलेगा अपना 29 सेप्टेम्बर से 5 अक्टूबर। ओके, इतना मैं आप लोगों को समझा दिया। चलिए, हम आगे समझाते हैं आपको। हाँ, पेमेंट मेथोड मतलब पेमेंट मोड, मतलब आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं। पे द एग्जाम फ्री थॉट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, फ्री मोबाइल, UPI, कुछ कैसी कुछ कुछ किसी से भी कर सकते हैं आप लोग। ओके, आप पेमेंट किसी से भी कर सकते हैं, चाहे आप डेबिट कार्ड से, चाहे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और फ्री मोड। ओके, अब आगे देखते हैं। हाँ, एज लिमिट के बारे में और बता दूं आप लोगों को कि इसकी मिनिमम एज इसकी 20 साल है। कितनी? 20 ईयर्स। कितनी है? मिनिमम एज है इसकी 20 ईयर। ओके, और एज लिमिट इज ऑन, मतलब आपको 1 जनवरी मतलब कि 1 जनवरी 2021 तक आपको 20 साल का होना अनिवार्य है। ओके, मिनिमम एज की 25, मतलब 20 से आप 25 के बीच में होना जरूरी है। ओके, मतलब कितना? 20 से 25 के बीच में। ओके, इतना ही, आगे बताता हूँ मैं। हाँ दोस्तों, मैं एलिजिबिलिटी की डिटेल के बारे में और बता दूँ, एलिजिबिलिटी के बारे में बता दूँ कि दिल्ली SI के लिए आप लोगों के पास कोई भी स्टेट की बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है, एवं ड्राइविंग लाइसेंस भी होना
अत्यंत जरूरी है। वो अदर पोस्ट के लिए आप लोगों के पास एक बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है। बैचलर डिग्री अनिवार्य होना दोनों में ज़रूरी है। आपको ग्रेजुएशन तो ज़रूरी है ही। ओके, और थोड़ा आगे बता दूं मैं आप लोगों को। हाँ दोस्तों, वैकेंसी डिटेल्स के बारे में और बता दें मैं, टोटल वैकेंसी 1564 हैं। कितनी है? 1564। और मैं बता दूं, पोस्ट नेम, जेंडर, जनरल, ओबीसी, ये अपनी कैटेगरी दी गई हैं, जिसको किस में कितनी जगह निकली है। तो ऐसा ही दिल्ली पुलिस के लिए, मेल के लिए, लड़कों के लिए, जनरल के लिए 41, ओबीसी के लिए 10, ईडब्ल्यूएस के लिए 10, एससी के लिए 13, एसटी के लिए 17, और फीमेल के लिए, जनरल के लिए 35, ओबीसी के लिए 17, ईडब्ल्यूएस के लिए 8, एससी के लिए 12, एसटी के लिए 6, एसआईजीडी ने सीआरपीएफ मेल के लिए 421, ओबीसी के लिए 281, ईडब्ल्यूएस के लिए 104, एससी के लिए 156, एसटी के लिए 78। इसी प्रकार फीमेल के लिए, जनरल के लिए 13, ओबीसी के लिए 9, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 2, यानी 2। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं सभी को। अगर मैं पूरा डिटेल में बताऊं, ये बताता हूं, आप लोग तो इतना जानते हो, अगर पूरा बताऊं तो वीडियो लंबा हो सकता है। इसलिए आप लोग से कृपया निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अच्छी पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं वीडियो को, ना वीडियो लंबा हो सकता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को आप पॉज करके ज़रूर देख लें। दोस्तों, फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में और बता दूं मैं, फिजिकल के बारे में और बता दूं कि जनरल एवं ओबीसी एससी के लिए कितनी हाइट, कितना चेस्ट, कितना रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट और चेंसेस कितना, बता दूं मैं, बता दूंगा आप लोगों के लिए। तो मेल जनरल एवं ओबीसी के लिए, मतलब लड़कों के लिए, लड़कों जनरल ओबीसी एससी के लिए आप लोगों को हाइट 170 सेंटीमीटर, कोई भी हो यहाँ पर, कोई मतलब कि यहाँ पर तीनों कैटेगरी को 170 सेंटीमीटर लंबाई चाहिए, और चेस्ट 80 होना चाहिए, और फुलाके 85, रेस होना है आपकी 100 मीटर की, यानी 16 सेकेंड में, 16 सेकेंड में आपको 100 मीटर की रेस तय करना। लॉन्ग जंप है 3.65 मीटर, ऐसा समझें। हाई जंप आपकी 1.2 मीटर, शॉर्ट पर 4.5 मीटर। मेल एसटी के लिए, यहाँ पर एसटी के लिए छूट दी गई है, यहाँ पर 170 के जहाँ इसको 162.5 सेंटीमीटर लंबाई, चेस्ट 27-82, और दौड़ इसकी वही है और बाकी सब वही है। फीमेल के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, इनका चेस्ट नहीं मापा जाता है, और फीमेल एसटी के लिए 154 सेंटीमीटर, और लॉन्ग जंप 2.7 मीटर, 0.9 मीटर हाई जंप, शॉर्ट पुट नहीं फेंकना है। ओके, इतना ही इसमें, चलिए हम आगे देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैंने आपको SSC CPO SI के बारे में सब कुछ बता दिया, फुल डिटेल आप लोगों के पास पहुँच चुकी होगी। मुझे आशा करते हैं कि आप लोगों को सब समझ में आ चुका होगा। इसलिए आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे जल्दी से कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोगों को, हाँ और मैं ये बता देता हूँ, आप लोगों को नोटिफिकेशन चाहिए इसका पूरा डिटेल, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। अगर हाँ, आप लोग अगर मोबाइल से ही रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो मैं इसके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं, अच्छी वैकेंसी है, आप लोग जल्दी से फॉर्म भर दें, और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी पढ़ाई करें। ओके धन्यवाद, आज का वीडियो इतना ही। वो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे बारे में बताऊंगा कि इसके लिए कौन कौन सी किताबें पढ़ना है, क्या क्या आ सकता है, मैं सब कुछ इसके बारे में बताऊंगा। ओके धन्यवाद, थैंक यू।